ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ। इस गाड़ी वाले की तो मैं देख के गाड़ी नहीं चला सकते, आप ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ वो मैं सॉरी मैं रस्ता। अगर ये चश्मे के अलावा आपने ये चश्मा पहना होता तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता। अभी क्या अभी पहनी है चश्मा? हाँ मैं अभी ठीक है। हाँ और दोबारा ये चश्मा आप कभी पहनेंगे नहीं। I'm sorry, मेरे को दिखाई नहीं दिया। गलती आपकी है और आपके पास अपनी गलती मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं तो आपकी जान ले लेती। कल्याणी वो गलती मेरी थी और तुम जानती भी हो ये कौन है? अरे आप अच्छा सुनिए, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? ACP मल्हार राणे की पत्नी हूँ मैं, पत्नी। हाँ बहुत बड़े पुलिस वाले हैं वो, औरंगाबाद का सिंगम कहा जाता है उन्हें, सिंगम। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मुझे देख के लड़ना सीखो। अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या हुआ, ऐसे लोगों को ठोकर मारते फिरेंगे क्या ये? अपनी बड़ी गाड़ी ना अपने घर पे रखना और तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं आई, समझी? हाँ आई। ओ हेलो, इधर देख के मुझसे बात करिए। आप यही सोच रहे हैं ना कि इतनी जवान लड़की की माँ इतनी यंग कैसे हो सकती है? क्यों प्रॉब्लम है क्या कोई आपको? एक तो बिना देख के गाड़ी चला, बस करो ना। अरे हद है यार आई, तो तुम्हारी ये लड़ रही ऊपर से तो मुझे, तुम चुप रहो। और आप इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? मैं क्या कोई चुटकुला सुना रही हूँ क्या यहाँ पे? अगर मेरे पति ACP मल्हार राणा यहाँ पे होते ना, यूं हंसी गुल हो जाती आपकी। अरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं आपको। कल्याणी जी राइट? I'm sorry कल्याणी जी, गलती मेरी है। आपको औरंगाबाद के सिंघम से कंप्लेंट मत कीजिए। और कल्याणी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता। आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं वो कल्याणी की बातों का पूरा मत। छोड़ना चाहते हैं ना, ठीक है अब आप ही मेरी आई को छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी की वजह से मेरी आई को कपड़ों की डिलीवरी करने में लेट हो गया है। आई तुम इनके साथ ही जाओ। नहीं नहीं कल्याणी, कल्याणी जाओ, आई जाओ, बैठो इनकी गाड़ी में जाओ। कल्याणी मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना चुपचाप जाके बैठो, जाओ। अरे जाओ जाओ। अरे ओ मैडम आगे क्या बैठ रही हो? पीछे बैठो, पीछे बैठो। तुम जाओ मैं कॉलेज पहुंचूंगी, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके आओ, ठीक है? मैं तब तक नेहा से नोट्स ले लूंगी, जाओ। ज्यादा बातें नहीं करना, कुछ होना तो मुझे फोन कर देना। और वैसे आप सुनिए, आप मुझे देखने में शरीफ लग रहे हैं इसलिए मैं अपनी आई को आपके साथ भेज रही हूँ। लेकिन एक मिनट, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। चेहरे से हाथ हटाइए, चेहरा दिखाइए अपना। अरे शक्ल दिखाई अपनी तुम। अब मेरे पास आपकी गाड़ी का और आपका फोटो भी है, और आपको याद तो होगा ना मेरे पति ACP मल्हार राणे औरंगाबाद के सिंघम है, वो आपने बताया। आप उनसे कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं इन्हें सही सलामत छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, क्योंकि वकील हूँ और मैं शरीफ दिखता नहीं हूँ, शरीफ हूँ। गाड़ी स्लोली चला, मेरी आई को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ मैं ये आपको जितना बोला आप उतना करिए, चाहिए गाड़ी अच्छे से चलाए, चाहिए। अच्छा कौन हो सकता है जो कल्याणी को ये फूल भेज रहा है? कल्याणी को फूल मैंने ही भेजे थे। तुम पागल हो गए अथर्व, तुमने उसे फूल क्यों भेजे? क्योंकि तुम्हें फूल भेजने में कोई मजा नहीं है सबू, इसलिए मैंने कल्याणी को फूल भेजे। मैं मार दूंगी। नहीं नहीं मैं कल्याणी पे ऐसे शक नहीं कर सकता, फूल तो कोई भी भेज सकता है ना, क्या पता कल्याणी उस लड़की को जानती ही ना हो। पंडित जी का फोन। नमस्कार पंडित जी। माफ करना मल्हार जी, आपको काम के वक्त में मैं फोन कर रहा हूँ।
दरअसल कल्याणी जी से मुझे बात करना था कुंडली के बारे में, मगर वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, तो मैंने सोचा वो शायद आपके साथ में होगी। कल्याणी तो मेरे साथ नहीं, लेकिन उसने आपको कुंडली क्यों भेजी है? उन्होंने जो कुंडली भेजी थी वो जानना चाहते थे कि इस कुंडली में दूसरे विवाह का योग है या नहीं। तो मैं यही बताना चाहता था कि इस कुंडली में पहले विवाह में असंतुष्टि के कारण इस कुंडली में दूसरे विवाह का योग अवश्य है। और पंडित जी आप ये बताने के लिए मुझे फोन कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मोक्ष को लेकर कहीं दूर निकल जाऊं। कल्याणी तुम माई के साथ ही रहो, अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो, ना कि एक समझौते के साथ। वैसे तो मेरी कोई बात मानती नहीं है, और ये बात चट से मान ली। देखिए मिस कल्याणी, सिर्फ 1499 और पे करके आपको स्पेशल असिस्टेंस मिल सकती है, और ये तो मेरा काम है। मैं आपकी कैंडिडेट की प्रोफाइल पर रिसर्च करके खुद उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल सेलेक्ट करके आपको डेली फॉरवर्ड किया करूंगा। अरे मेरी आई के लिए मुझसे बेहतर लड़का और कोई कैसे ढूंढ सकता है? और आप इतने पैसे मांग रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी आई के लिए लड़का मैं ही ढूंढूंगी, और मुझे ना कोई स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। यार कल्याणी का बंदा है कितना रोमांटिक, काश मुझे भी ऐसा पति मिले। और आप देखना मेरी चॉइस पे ना सब लोग जेलस हो जाएंगे, जेलस। अब ये कौन है? ये वो तो नहीं है जिसका फोटो मैंने देखा था, पता नहीं चल क्या रहा है। मल्हार जी कॉलेज में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो पता भी नहीं है मैं आई के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मल्हार जी आप यहाँ, आप यहाँ कैसे? देखो कल्याणी, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुका हूँ। आपको सब पता कैसे चला? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का फोन आया था, तुम ये फोन तो उठा नहीं रही हो, काफी बिजी लग रही हो ना। ओ गॉड, मेरा फोन साइलेंस पे था। एक सेकंड, इसका मतलब सबको पता चल गया? हाँ कल्याणी, सबको पता चल चुका है, और तुम्हारे लिए तो खुशखबरी भी है, सुनना चाहोगी? गुरुजी ने कहा है कि दूसरी शादी का योग है। क्या सच? अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए वैसे तो मैं ये सब चीजों में बिलीव करती नहीं हूँ, लेकिन क्या पता लड़के की साइड वाली फैमिली ये सब चीजों में बिलीव करती हो, इसलिए सेफ रहने के लिए ना मैंने कुंडली भेजी थी गुरुजी को। अरे यार ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है सच में। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, मेरे सामने भी अपनी खुशी का इजहार करने से खुद को रोक नहीं पा रही है, ये अच्छी खबर है। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? मैंने आपको अभी तक ये बात नहीं बताई। ओके मैं कल्याणी मैं चलता हूँ, एक बार आप फिर सोच लीजिएगा, मैं शाम को फिर से कॉल करता हूँ। एक सेकंड, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए। क्या करते हैं आप? जी करते क्या हैं आप? इंग्लिश में बोलूं क्या? कितना कमाते हैं आप? अरे सैलरी कितनी है आपकी ये बताइए, खुश रख पाएंगे लड़की को या नहीं? अरे मल्हार जी आप इनसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे ये कैंडिडेट थोड़ी ना है। अरे ये तो वो है जो शादी के वेबसाइट से ना कैंडिडेट्स लाते हैं। आपको क्या लगा मैं अपनी आई के लिए इतना जवान लड़का ढूंढूंगी क्या? माई के लिए? हाँ मतलब वो कुंडली और वो वेबसाइट। हाँ वो आई के लिए है। माई के लिए? आपको क्या लगा मैं किसके रिश्ते की बात कर रही हूँ? मुझे लगा तुम दूसरी शादी करना चाहती हो। क्या? लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था, तुम्हारी जिंदगी है, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो, इस शादी में खुश नहीं हो तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो कल्याणी। मल्हार जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ अपनी आंखों का नंबर चेक करवा लीजिए, ध्यान से देखिए मुझे। हाँ कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? हाँ कल्याणी राणे। कल्याणी हूँ मैं, कल्याणी राणे, संपदा नहीं हूँ जो ऐसी दूसरी शादी करती फिरती रहती है। कल्याणी आप तो सोच भी कैसे सकते हैं? अच्छा मेरी बात तो सुनो, देखो गिर जाओगी। कल्याणी मेरी बात तो सुनो, शादी काफी नहीं मेरे लिए जो दूसरी करूंगी, अगर इस रेट पर शादियाँ की ना तो फिर एक महीने में पतियों का एग्जीबिशन लगवा दूंगी मैं।
सॉरी बोल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो, पीछे उतरो, गिर जाओगी कल्याणी, गिर जाओगी। अरे आज पता चल रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अरे आप तो मुझे समझते ही नहीं है कि अगर आप समझते ना तो आपको ये पता होता कि मैं रिश्तों को लाइटली नहीं लेती हूँ, संभला नहीं हूँ मैं, मेरे लिए रिश्तों की अहमियत है, लेकिन आप तो मुझे समझेंगे कल्याणी। यार दिन ब दिन तुम दोनों की जोड़ी तो राज और सिमरन जैसी होती जा रही है। तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? मैंने कहा तो था सॉरी कल्याणी, देखो मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा फिर से बोल रहा हूँ सॉरी। खुश अब क्या है ये सब, माई की शादी वगैरह? माई को पता भी है इस बारे में? अगर आई को पता होता तो मुझे कभी अलाउ करती क्या? हाँ तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि माई को शादी नहीं करनी है, और इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि आई ने कभी इस बारे में सोचा ही ना हो। आई ने कभी नहीं सोचा, लेकिन हमें तो दिखाई देता है ना उनका अकेलापन, उन्हें भी किसी के प्यार का, किसी के साथ का हक है ना। पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों आई। देखो कल्याणी मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, घर वालों को भी समझाना जरूरी है और माई की सहमति भी तो जरूरी है ना इसके लिए। मैं आई की बेटी हूँ और अब आई मेरी जिम्मेदारी है। आई को तो मैं मना ही लूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आई के अकेलेपन के जिम्मेदार मेरे पापा और माधुरी है। अपने मम्मी पापा की गलती में सुधारना चाहती हूँ मल्हार जी, आई की शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। चलो तुमने मेरी ये दोपहर खराब होने से बचा ली, गुड बोल के जाओ, जाके क्लास अटेंड करो। ये प्रोफेसर इन्होंने तो कहा था ये लॉयर है। अरे मल्हार तुम कहाँ है, मंटा है काका। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन तुम तो रुकती कहाँ हो। ये सार्थक जी है, मल्हार के काका। और मल्हार की परवरिश इन्हीं के यहाँ हुई है जी। वकील है और हमारे कॉलेज में अतिथि शिक्षक बन के आए हैं। अच्छा तो फाइनली बच्चों को ज्ञान बांटने का बीड़ा आपने उठा ही लिया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ जुबान और प्रोफेसर गिरी झाड़ने का मौका मिल जाए मैं कैसे मना कर सकता था। नाम सार्थक है, लेकिन ना ये सर थकता है और ना ये जबान। काका आप नहीं बदलेंगे। तो औरंगाबाद के सिंघम की मिसेस इसी कॉलेज में पढ़ती हैं। अरे मल्हार वो तुम्हें यहाँ औरंगाबाद में सिंघम कहते हैं ना, तो ये सिंघम की मिसेस ही हुई राइट? वैसे ये सारा शहर मुझे सार्थक के नाम से जानता है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे लायन कह के बुला सकती हो। एक सेकंड काका, आप दोनों पहले मिल चुके हैं क्या? एक्चुअली रास्ते में आ रहा था तो अनुप्रिया जी, तो बातों बातों में ही उन्होंने इनकी तस्वीर बताई। बहुत 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 प्यारी लड़की है। अरे 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 इतना भी बुरा नहीं हुँ? देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारी और मल्हार की शादी किन हालात में हुई, लेकिन मल्हार को तुम जैसी लड़की मिली इस बात की मुझे बहुत खुशी है। खुश रहो। अरे वाह, रोज डे के दिन गुलाब लेके खड़े हुए हो? नहीं काका ये तो मैं। ये क्या क्या नहीं क्या? अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, यूं टाइम पास करोगे? चलो जाके फूल दो। आओ 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 आओ, चलो 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 चलो, जल्दी दो जल्दी दो। Thank you.
काका अब आप आ गए तो आप हमारे यहाँ रुकेंगे ना? देखिए मैं ना नहीं सुनूंगा। देखो फिलहाल तो मेरे क्लास का वक्त हो रहा है, मैं बाद में इस बारे में बात करता हूँ। इसमें बात क्या करनी है? बाद में, क्लास के लिए लेट हो रहा है। आई तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कल्याणी, ये फूल मैं नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए, किसी और ने भेजे हैं। मुझे कौन फूल भेज सकता है? मुझे क्या पता, भेजने वाले का नाम थोड़ी लिखा है। और जरूर आपको ये फूल देखने के बाद मुझ पर और शक हुआ होगा, है ना? कल्याणी अब कब तक एक ही बात पे तुम मुझे सुनाती रहोगी? कहा ना मैंने अभी तुमसे सॉरी। यहाँ पे मैं आई की शादी करवाना चाहती हूँ और लोग मुझे फूल भेज रहे हैं, कितने बड़े फूल होते हैं लोग। देखो तुम ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रही हो। आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं ना, लेकिन सॉरी मल्हार जी, मैं अपनी आई की शादी करवा के रहूंगी। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सपोर्ट ना करने की वजह से मैं अपना मन बदलने वाली हूँ तो आप गलत हैं। देखो मैं अकेले इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगी ना कि लोग देखते रह जाएंगे, मेरी आई को बहुत खुश रखेगा वो। अरे उनका अकेला पर दूर करना है मुझे मल्हार जी। मैं ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा, मेरा मतलब है मैं तुम्हें ऐसा अकेले बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले उठा लोगी? माई मेरी कुछ नहीं लगती क्या? देखो मैं जानता हूं तुम समझदार हो, ये काम हम दोनों को मिलके करना होगा। पक्का? पक्का। पता है कल्याणी, वो पैर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अभी तक किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम कितनी बोरिंग और पुराने जमाने की हो। अरे तुम क्या किसी को किस करोगी? आई सब भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ अभी और आने वाली लाइफ के बारे में सोचो। आने वाली लाइफ? क्या होने वाला है आने वाली लाइफ में? मेरा मतलब एग्जाम्स आने वाले हैं ना आई, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पास करवा के ही रहूंगी। क्या कर रही हो फोन पे? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब दिखाओ तो। अरे फोन में झांकना बैड मैनर्स होता है। अरे मुझसे तो कभी कुछ छुपाया नहीं तुमने, तो आज क्या बात है? अरे आई क्या दिखाओ मुझे क्या है? अरे आई क्या इतनी क्या उतावली हो रही हो तुम? हाँ अरे दिखाओ तो। अरे क्या लेके आई? दिखाओ। आई क्या? आई दिखाओ। आई क्या कर रही हो तुम? आई क्या? मेरा फोटो क्यों है? हाँ और क्या लिखा है तुमने उधर फोटो के नीचे क्या लिखा है? हाँ देखो मुझे सब पता है, तो वही करने जा रही हो ना? हाँ वो दो लोग मिलते हैं ना उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसे? हाँ फेस बॉक्स। फेस बॉक्स। हाँ वो मैं तुम्हारा फेस बॉक्स पे ही अकाउंट बनाने जा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए नहीं बता रही थी। कल्याणी क्या जरूरत है ये सब करने की? वैसे भी मैं कहाँ ये सब चीजें देखती हूँ, तुम भी ना, कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ किसका रिश्ता? अब मेरी दोस्त का, वो हाँ उसकी शादी तय हो गई ना, तो इसलिए रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा हाँ। अरे वाह, पहला मैसेज भेजते ही रिश्ता एक्सेप्ट हो गया। अब पता चलेगा मल्हार जी को मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ,
आखिर मेरा आइडिया काम कर ही गया।